और ये देखो ये कार्ड पहली बार देख रहा हूँ मैं। आलू भजिया है। ये क्या है? आलू बटाटा भजिया। बटाटा भजिया, ओके ओके। अरे भाई रुक जाओ, हमें भी जाने दो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं सुबह सुबह रेडी हो चुका हूँ, बिल्कुल बैग वैग लेके। ये रहा मेरा बैग और मैं जा रहा हूँ ड्यूटी। अभी बारिश थोड़ा छूटा हुआ है, सो मैंने छाता वाता भी ले लिया है क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है। तो अभी पहनूंगा मैं सूज यहाँ पे, थोड़ा बैग रखता हूँ और जाने की तैयारी करते हैं। अब पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है तो बिना छाता का जा नहीं सकते आप, इसलिए मैंने छाता ले लिया है, बैग के अंदर डाला है। अभी सॉक्स पहनने के लिए मुझे कैमरा यहाँ पर रखना पड़ेगा, फोन कहीं और। ओके चलो गए। सो गाइस, ये हमारे जो पार्टनर है, जो जिनका नाम प्रिंस जहाँ है, ये हमारे कलीग है कंपनी के और हम लोग साथ में रहते हैं। सो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं, जॉब पे जाएंगे और मैं रेडी हो चुका हूँ बैग वैग लेके। और छाता जो है मैंने इसके अंदर डाला है क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है। नलिया क्यों कर रहे हो? ये देखो मैं रेडी हो चुका हूँ, ये बंदा भी रेडी हो रहा है। ऐसा थोड़ी होता है भाई, जल्दी करो, लेट हो रहा है। अभी बारिश नहीं हो रही है इसलिए मैं बैग में डाल दिया हूँ, हाथ में रखो, कभी भी जरूरत पड़ सकता है। और एक्चुअली हम लोग रहते हैं फोर्थ फ्लोर पे, तो डेली नीचे और ऊपर करना पड़ता है। इस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट की बहुत समस्या है। ये क्या है, टूट गया है, देख लो ये, पता नहीं लटक गया है, किसी के सर के ऊपर गिर सकता है ये। इसको बोलना पड़ेगा, बोल के फिक्स करना पड़ेगा। जो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट नीचे आ गया है, उसका जो स्क्रू वगैरह है वो शायद टूट गया। इसके लिए अभी देखो बारिश तो नहीं हो रही है, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से जाएंगे हम लोग। लेकिन हर दो मिनट पाँच मिनट में बारिश चालू हो जाता है। ये होता है डेली प्रार्थना होता है ना, यहाँ पे स्कूल है, हम लोग यहाँ रहते हैं, उस बिल्डिंग के सामने की स्कूल है और डेली यहाँ पे सुबह सुबह प्रार्थना होता है। क्या बात कर रहे हो, तो क्या करना चाहोगे प्रिंस? सुबह सुबह कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है, ऑफिस नहीं जाना होता, बहुत जानते हैं, मना नहीं कर रहा है ना, लेकिन हम दोनों ने शॉर्ट एक ही जैसा पहना है क्या? और पैंट भी अच्छा, दोनों ब्लैक, दोनों वाइट, ये तो कमाल हो गया यार। सुबह सुबह मन नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी हम लोग जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बारिश हो रही है और मॉर्निंग में उठने का मन नहीं कर रहा था, बट आज सैटरडे है तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि कल संडे है तो बंद रहेगा, तो वैसे भी तो आज जाना ठीक रहेगा। सो इसके लिए हम लोगों ने रेडी होके जा रहे हैं हम लोग। ये ब्रिज चढ़ना पड़ता है डेली, कितना कितने ब्रिज जाते हैं हम लोग? दो ब्रिज चढ़ना पड़ता है ना, एक ये हो गया और एक और आगे है। बारिश चालू हो गया लेकिन आज लगता है धूप होगा, लग तो रहा है क्योंकि उधर देख रहे हो धूप का चांस नहीं है। और ये सुबह सुबह देखो हेलो हेलो, और यहाँ फोटो सेशन हो रहा है, भाई लोग फोटो ले रहे हैं, क्या बात है, फोटोग्राफी चालू है इधर। हम लोग चाहें तो ट्रेन से भी जा सकते हैं लेकिन ट्रेन से नहीं जाते हैं क्योंकि पास में ही है, नहीं पास में ही है तो 20 मिनट लगता है जाने में। सो हम लोग ऐसे ही जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है तो ट्रेन से जाने की जरूरत नहीं है। इतना स्लो क्यों चल रहा है ट्रेन? बहुत स्लो चल रहा है। अरे अरे आराम से, अंकल तो गिर गए, बच गए। यहाँ पे देखो बस वस लगा रहता है हमेशा क्योंकि पास में एक मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी अच्छा मंदिर है, तो दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए।
अच्छा हुआ इस वक्त बारिश नहीं हो रही है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ड्यूटी, तो मैं तो डेली सोचता हूँ कि 9 से 8 के बीच में नहीं होना चाहिए, नहीं तो डेली बारिश हो रहा है, डेली बारिश हो रहा है। और छाता भी सही से काम नहीं करता है क्योंकि साइड से ये होता है ना, तेज बारिश होती है तो भींग जाता है बैग वैग। तो बंजारा होते हैं उनका क्या लाइफ स्टाइल है रहने का, कैसे ये फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं। और ये देख रहे हो पूरा ये जो एरिया है कितना ये हो गया है, मतलब पानी से भर गया है पूरा। इन लोग को देख के मेरा अजीब लगता है यार, पैसा होगा तो सबसे पहले मैं ऐसे लोगों को हेल्प करना चाहूँगा, लेकिन कभी होगा पैसा, होना भी तो चाहिए। आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते तो कहाँ से आएगा, सही है ना। क्या बोल रहे हो, सपोर्ट करेंगे तो हम लोग ऐसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे को ऐसे लोगों को देख के ना हेल्प करने का मन करता है, बट प्रॉब्लम ये है कि आपके पास इनकम सोर्स होना चाहिए और उतने मतलब कि अर्निंग होनी चाहिए। सो सिर्फ सोच के रह जाता हूँ मैं, बट कर नहीं पाता हूँ। ऐसे छोटा मोटा तो कभी कभी कर ही देता हूँ, बट बड़े लेवल पे नेक्स्ट लेवल पे आपको करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा काफ़ी बड़ा अमाउंट होना चाहिए। क्योंकि ऐसे जो लोग रहते हैं जिनका घर ही नहीं है, बारिश हो रही है, रहने के लिए जगह नहीं है, पूरा पानी वानी लग गया है सोने के लिए, सो बहुत तकलीफ होता है देख के। बट एनीवे कभी ना कभी तो ऐसा दिन आएगा जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसे लोगों को हेल्प करूँगा, ज़रूर करूँगा। पहले ट्रेन तो नहीं आ रही, वो सब चेक करना पड़ता है यहाँ पे डेली, क्योंकि 4 ट्रैक है, वो 2 इधर है 2 इधर है। अभी तो नहीं आ रहा है इसलिए आप लोग क्रॉस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे ये रोड क्रॉस करना पड़ेगा और इसके लिए यहाँ पे वेट करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये रोड, काफ़ी चौड़ा है और जो गाड़ी है ना कंटिन्यू आती है, मतलब रुकती ही नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है क्योंकि लोग जो हैं रुकते नहीं हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पर होता है ना, रुकते नहीं कोई। आ जाओ, यहाँ पे कोई नहीं रुकेगा, रुको रुको, देख रहे हो कितना जल्दी है, कितना जल्दी है देख रहे हो। अरे भाई रुक जाओ, हमें भी जाने दो। आ जाओ, आपने यहाँ पे कोई रुकता ही नहीं, मतलब सबको जल्दी रहता है, तो यहाँ पे काफ़ी दिक्कत होता है क्रॉस करने के लिए। मतलब रेड लाइट है बट वो ख़राब हो गया है, काफ़ी दिनों से ख़राब है, तो इसको जो मर्जी कहीं से भी घुसता है जब निकलता है तो प्रॉब्लम होती है, कोई रुकता ही नहीं है, स्लो भी नहीं करता है, मतलब हाथ देना पड़ता है कि भाई रुक जाओ, तब भी नहीं रुकते हैं। जब थोड़ा कम होता है गाड़ी तब हम लोग पास करते हैं, वहाँ से क्रॉस करते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पर होता है, नहीं सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं होता है डेली का, यही है यही है। प्रिंस क्या खा रहे हो, ब्रेड सुबह सुबह ब्रेड, क्या बात है। मैं तो नहीं खाऊंगा सुबह, मैं खा के आया था कॉफ़ी और ब्रेड, तो मैं अभी कुछ खाने वाला नहीं हूँ। और ये देखो ये कार्ड पहली बार देख रहा हूँ मैं, ऐसा वाला कार्ड पहली बार देख रहा हूँ, नहीं तो सबके पास हो रहा था बड़ा वाला रहता है, सही है। ये किधर भी लेके जा सकते हैं पॉकेट में डाल के, सही है ना। किधर भी ले जाओ, फोन पे सीधा छोटा है, वॉलेट में रखो, जेब में रखो, सही है। चलो हो गया, चलो यहाँ से चलो ऐसे। अच्छा खाओगे, खा लो खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खाओ। देखो इनके पास क्या क्या बिक रहा है, एक है ब्रेड पकौड़ा और क्या है भजिया, ये आलू भजिया है, ये क्या है आलू भजिया, बटाटा भजिया, ओके ओके। फ्रेश माल मिलता है यहाँ पर, एकदम ठंडा माल मिलता नहीं है, मतलब थोड़ा का रही है गर्म का रही है, ओके ओके, कस्टमर को अच्छा लगे यहाँ पर, सही है कस्टमर, यहाँ पर डिमांड बढ़े हमारा, क्या बात है, इसलिए लोग आते हैं। हमारा प्रिंस भी यहीं से खाता है क्योंकि मतलब ये ठीक ठाक बनाते हैं थोड़ा।
सो गाइस मैं आ गया हूँ, 6 बज रहा है अभी और मैं अभी वापस घर आ गया। ऑफिस से छुट्टी हो गया तो मैं प्रिंस को छोड़ के मैं घर आ गया और पहुँचने वाला हूँ, बस 2 मिनट में पहुँचने वाला हूँ। ये रही बिल्डिंग,